दुनिया में हर साल गोल्ड और जमीन की कीमतें बढ़ती ही रहती है। बेशक मंदी के दौरान इनकी कीमतें रुक जाती है, लेकिन कम तो होती ही नहीं। इसलिए तो अर्थशास्त्र कहते रहते हैं कि पैसों का निवेश जमीन और गोल्ड में ही करना चाहिए। इस कारण हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास खुद की जमीन या खुद का छोटा सा मकान हो। अब हमारे भारत में एक अच्छी लोकेशन पर जमीन 10 से 20 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगी, और 10 से 20 लाख रुपए ज्यादातर भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के करोड़पति लोग भी इन देशों में प्रॉपर्टी लेने से पहले हजार बार विचार करेंगे, क्योंकि इन देशों की जमीन की कीमत जानकर भारत में जमीन की कीमत आपको बहुत सस्ती लगेगी। और हाल ही में प्रॉपर्टी की कीमतों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स और सिविल सर्वे ने मिलकर बनाई है। इस रिपोर्ट को बनाने में उन देशों की जीडीपी, सिक्योरिटी, स्वास्थ्य क्षेत्र, ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे आंकड़ों का सहारा लिया गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 10 सबसे महंगी प्रॉपर्टी वाले देशों के बारे में बताया गया है, जो रहने के लिए काफी सुरक्षित भी है। तो कौन से है वो 10 देश, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि दुनिया में सबसे महंगे मकान वाले 10 देश कौन से हैं, इन देशों में प्रॉपर्टी की कीमत भारतीय रुपए में कितनी होती है, इन देशों में रहना कितना सुरक्षित है, और क्या इनमें हमारा भारत शामिल है या नहीं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे महंगे मकान वाले देशों में 10वें नंबर पर है चाइना। अब एरिया वाइज चाइना दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के बावजूद भी सबसे महंगी प्रॉपर्टी यानी सबसे महंगे मकान बेचने वाले देशों की लिस्ट में आता है। इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स और सिविल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जमीन का 90% से ज्यादा हिस्सा बंजर होने के कारण बाकी 10% हिस्से में महंगी कीमतों पर मकान बेचे जाते हैं, जिन्हें मात्र लखपति लोग ही ले पाते हैं। बाकी चीन की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा छोटे से भूखंड में बने मकानों में ही रहता है। और इतना ही नहीं, चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी है कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। शंघाई में जमीन की कीमत $2200 प्रति वर्ग फुट है, यानी भारत की मुद्रा में 1,80,000 रुपए प्रति वर्ग फुट है। वहीं 3BHK मकान की कीमत 15 से 16 करोड़ रुपए में पड़ती है। उसके बाद 9वें नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस दुनिया में अपने रोमांटिक सिटीज के तौर पर जाना जाता है, और दुनिया भर के लोग फ्रांस में आर्किटेक्ट, कल्चर और सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां पर एफिल टावर है, वहां हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। वहीं फ्रांस यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक है, और अपने सुहावने मौसम, आर्किटेक्ट और हरे भरे मैदानों के कारण सेवल्स के सर्वे के रिपोर्ट में फ्रांस को 9वां सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमत वाला देश बताया गया है, जहां पर औसतन जमीन के दाम 2 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट है। और फ्रांस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक होने के कारण यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इस कारण फ्रांस इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में समुद्री इलाकों की सुहावनी जलवायु और रोजगार भी काफी है। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया एक फेमस वैकेशन डेस्टिनेशन होने के कारण यहाँ मकानों की कीमत भी आसमान छू रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सरकारी नीतियों के कारण शहरों को बढ़ाने के बजाय उनके घनत्व को बढ़ाया जाता है, यानी शहर में ही अधिक से अधिक बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान होने के कारण यहाँ के लोगों के पास रहने लायक जमीन भी कम है। ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी उनके समुद्र किनारों के आसपास ही रहती है, इस कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी की कीमत भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में जमीन की कीमत औसतन $2800 प्रति वर्ग फुट है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 2,10,000 रुपए प्रति वर्ग फुट जमीन की कीमत है। इस कारण ऑस्ट्रेलिया 8वें नंबर पर आता है। उसके बाद 7वें नंबर पर है जापान। तो आज जापान अपनी टेक्नोलॉजी और एडवांस लाइफस्टाइल के कारण दुनिया भर के देशों में एक अलग पहचान बना चुका है। लेकिन जापान प्रशांत महासागर के द्वीपों पर बसा होने के कारण जापान के लोगों के पास रहने लायक जमीन बहुत ही कम है। इसके अलावा बार बार भूकंप और सुनामी आने के कारण यहाँ पर मकान टूटने का खतरा हर बार बना रहता है। इस कारण से यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ती रहती है। इतना ही नहीं, जापान की राजधानी टोक्यो को अल्ट्रा रिच लोगों का घर भी माना जाता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति सैलरी भी
जापान के लोगों को ही मिलती है। इस कारण यहाँ पर जमीन की कीमतें भी $3,000 प्रति वर्ग फुट तक है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 2,40,000 रुपये प्रति वर्ग फुट है। तभी तो जापान में ज़्यादातर लोग रेंट पर रहना पसंद करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है अमेरिका। अमेरिका के बारे में तो हमें पता ही है कि यह कितना ताकतवर देश है और यहाँ के नागरिक अन्य देशों की तुलना में कितने सुरक्षित और कितने संपन्न हैं। ऊपर से इस देश में रोजगार भी काफ़ी अच्छा है और सैलरी भी लोगों को काफ़ी अच्छी मिलती है। ऐसे में महामारी के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने के बाद भी अमेरिका में मकान की कीमतें 58% तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा अमेरिका में भूमध्य सागर जलवायु और वहाँ के लोगों का कल्चर और अन्य देशों की तुलना में अमेरिका में तेजी से पैसा कमाया जा सकता है। इस वजह से अमेरिका में प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा ऊंची रहती है। आज अमेरिका में जमीन की कीमतें $3,500 प्रति वर्ग फुट तक है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 2,80,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की कीमत होती है। उसके बाद पांचवें नंबर पर है स्विट्जरलैंड। यूरोप का देश स्विट्जरलैंड अपने सुहाने मौसम, पहाड़ों, वादियों और नदियों के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग अपने छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। इसी के साथ स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और ज्यादातर भारतीय लोग भी स्विट्जरलैंड में ही अपनी छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं और स्विट्जरलैंड में ही सबसे ज्यादा भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी होती है। स्विट्जरलैंड के सभी शहर नई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। इसी के साथ खूबसूरत वादियाँ लोगों के लिए अधिक सुरक्षित और अधिक रोजगार का अवसर होने के कारण स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी की कीमतें अमेरिका से भी ज़्यादा है। इसी कारण तो स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स और सेवल्स की लिस्ट में पाँचवें नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड में औसतन प्रति वर्ग फुट के लिए $5,000 तक का भुगतान करना पड़ता है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 4,00,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से स्विट्जरलैंड में जमीन मिलती है। और इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में घर खरीदने के बाद भी हर साल आपको सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, जिससे स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे महंगी लाइफस्टाइल जीने वाले देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। उसके बाद अगला नंबर है इंग्लैंड का। असल में इंग्लैंड को यूरोप की राजधानी कहा जाता है। इंग्लैंड का प्रमुख शहर लंदन दुनिया के सबसे लग्जरी शहरों में से एक माना जाता है, जिसे α++ की रेटिंग दी गई है और α++ की रेटिंग दुनिया में मात्र कुछ शहरों के पास है। इसके अलावा लंदन में मजबूत बाजार, ढेरों नौकरियां और सांस्कृतिक विरासत होने के साथ ही इंग्लैंड के लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं है। आधी दुनिया पर शासन जो किया था इनके पूर्वजों ने, तो इंग्लैंड में दुनिया की पुरानी सांस्कृतिक इमारतें होने के साथ ही दुनिया भर की आधुनिक सुख सुविधाएं भी मिलती है। इस कारण इंग्लैंड में प्रॉपर्टी और मकानों की कीमतें भी उच्च स्तर की है। 2021 में सेवल्स की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे अधिक मकानों की कीमतें इंग्लैंड में बढ़ी थी। इंग्लैंड में प्रति वर्ग फुट कीमत $5,300 तक पहुंच गई है, जो भारतीय मुद्रा में 4,30,000 रुपये होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कनाडा, क्योंकि कनाडा में आधुनिक जीवन शैली होने के साथ ही कनाडा की 90% आबादी उनके शहरों में ही रहती है। वहीं कनाडा में रोजगार की कमी ना होने और अमेरिका जैसे देशों में आसानी से आ जा सकने के कारण ज़्यादातर लोगों को कनाडा में रहना पसंद है। वहीं कनाडा सांस्कृतिक रूप से विविध, स्वच्छ और बड़े बड़े प्राकृतिक क्षेत्र होने के कारण भी जमीनों की कीमत हमेशा ज़्यादा ही रहती है। इसके अलावा विदेशी लोगों के लिए भी कनाडा सबसे पसंद की जाने वाली जगहों में से एक है। तो इन सभी कारणों से कनाडा में प्रति वर्ग फुट जमीन की कीमत $5,500 तक है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 4,50,000 रुपये होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हांगकांग। तो हांगकांग अपने कारोबारी क्षेत्रों, अपनी चमक दमक और ऊंची ऊंची रिहायशी इमारत के लिए पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि हांगकांग के अमेरिकी किस्से दुनिया भर में मशहूर है और हांगकांग को ही दुनिया का सबसे आधुनिक देश भी माना जाता है। क्योंकि हांगकांग में इतनी लाइटों की चमक होती है कि यहाँ पर लोगों को लगता नहीं है कि रात होती है। और हांगकांग चीन के दोहरे शासन को मानने वाला देश है, इस कारण यहाँ के नियम भी चीन ही बनाता है और अधिकतर करोड़पति चीनी हांगकांग में ही रहते हैं। लेकिन हांगकांग में 7.5 मिलियन से ज़्यादा लोग सिर्फ 430 वर्ग मील के क्षेत्र में ही रहते हैं, तो एक सीमित क्षेत्र होने के कारण हांगकांग इतना महंगा है। और हांगकांग में ज़मीनों की कीमत दुनिया भर के देशों की जमीन की कीमतों से बहुत ज़्यादा है। हांगकांग में प्रति वर्ग फुट जमीन की कीमत $7,500 है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 6,00,000 रुपये होते हैं।
यानी हांगकांग का शहर रेपल्स बे में एक फ्लैट के लिए $12,00,000 तक चुकाने पड़ते हैं। और आखिर में दुनिया में सबसे महंगी प्रॉपर्टी वाला देश है मोनेको। तो मोनेको पश्चिमी यूरोप का दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है, जो तीन तरफ फ्रांस से घिरा हुआ है और बाकी हिस्सा भूमध्य सागर से लगता है। वहीं मोनेको देश का क्षेत्रफल मात्र 2.02 वर्ग किलोमीटर ही है और यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला देश है। मोनेको देश में हर चीज की कीमत इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर दुनिया भर के अमीर और प्रसिद्ध लोग ही आते हैं। अब मोनेको में रहने लायक जमीन कम होने के कारण यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, मोनेको देश में प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत समुद्री तट, कैसिनो और प्राचीन वास्तुकला के साथ प्राचीन इमारतें होने के कारण ये यूरोप का स्वर्ग माना जाता है। तो इतनी विशेषताएं होने के कारण दुनिया में सबसे महंगे मकान इस मोनेको देश में ही मिलते हैं। और इस देश में प्रॉपर्टी की कीमत को निश्चित नहीं मानी जाती, क्योंकि इस देश में प्रॉपर्टी की कीमत हर बार बढ़ती ही रहती है। सेवेल्स की रिपोर्ट के अनुसार मोनेको में एक वर्ग फुट जमीन की कीमत $40,000 से ज्यादा है, यानी 15 वर्ग मीटर जमीन के लिए आपको भारतीय रुपए में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। तो ये थे दुनिया के वो 10 देश जहां पर सबसे महंगे मकान मिलते हैं। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।